रुड़की में किसानों के समर्थन में आई भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत का समापन हो गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि एसडीएम ने हमें आश्वासन दिया है, जिसके बाद हम ये महापंचायत समाप्त कर रहे हैं। सरकार से बात करने के बाद किसानों के धरने का समापन किया जाएगा। पिछले करीब एक माह से अपनी मांगों को लेकर रुड़की तहसील में धरना दे रहे किसानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर रुड़की तहसील के बाहर भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत आयोजित हुई। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे। घंटों चली महापंचायत को किसान नेताओं ने संबोधित किया। अलग अलग जगहों से आए किसानों ने अपनी अपनी समस्या रखी, जिस पर राकेश टिकैत ने किसानों की आवाज को सरकारों तक पहुंचाने का दम भरा। अंत में रुड़की एसडीएम महापंचायत में पहुंचे और किसानों की मांगों के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया और धरना जारी रखते हुए महापंचायत का समापन कर दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की बर्बाद फसलों की सही जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार से वार्ता के बाद धरने को समाप्त किया जाएगा। इनको मुआवजा, इनका जो गिरदावरी है, जो इनकी जांच है, जिन फसलों का नुकसान हुआ, जिन खेतों का, उनकी जांच पूरी नहीं हुई। जहाँ पे गन्ना या फसल दूसरी लगी हुई थी, वहाँ पे खाली दिखा रहे खेत, उससे किसान को मुआवजा कम मिल रहा, और जो मिल रहा ये कम है, ये बढ़ना चाहिए। धरना भी यहाँ की कमेटी ये चाह रही है कि धरना चलता रहे, हमारी सरकार से एक बार बातचीत हो जाए। अधिकारी को ये कहा, सरकार से बातचीत हो जाए तो धरना उसी टाइम पे खत्म हो। इनका कि क्या कारीगर बातचीत करें और समाधान निकाल लें और इस किसान को परिवारों का हिस्सा मान लें, तो जो नुकसान है उसकी भरपाई दे दो सरकार का, ये तो काम होता है। वहीं एसडीएम विजयनाथ शुक्ल ने कहा कि किसानों के स्थानीय स्तर की मांगों को तहसील स्तर पर समाधान कर दिया गया है। प्रशासन स्तर की मांगों को लेकर जिला अधिकारी के माध्यम से सरकार को अवगत कराया जाएगा। जो उनकी लोकल मांगे थी उसका तो तहसील स्तर पर समाधान कर दिया गया है। बाकी उन्हें यह भी अवगत कराया गया कि अगर आपकी कोई ऐसी इंडिविजुअल समस्याएं हो तो उसके बारे में बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो कुछ उनकी समस्याएं जो शासन स्तर की थी, जिसमें मुआवजे संबंधित या बिजली के माफी संबंधित, उसके संबंध में कहा गया है कि हम शासन को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से अवगत करा देंगे। उनकी उन्होंने सरकार से बात करने की बात कही है, जिसके संबंध में भी हमने उन्हें अवगत कराया कि हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ऊपर उनका संदेश पहुंचा देंगे। जो हमें उत्तर प्राप्त होता है उसको उन तक पहुंचा देंगे, अगर जैसे ही समय मिलता है उनकी बात करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाई अप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।